कस्टर्ड डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड। उसके लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 500 ml मिल्क। एक पॉट में दूध गर्म करने के लिए रख दीजिए और थोड़ा सा दूध बचा लीजिए टू मेक अ कस्टर्ड पाउडर स्लरी। फिर बचे हुए दूध को कस्टर्ड पाउडर में ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि कोई लंप ना रहे। दूध जब अच्छे से गर्म हो जाए उसमें शुगर ऐड कीजिए और कस्टर्ड पाउडर स्लरी ऐड कीजिए। दूध को कंटिन्यूसली घुमाते रहे ताकि उसमें लम्स फॉर्म ना हो। जब अच्छे से बॉईल आ जाए तो गैस बंद कर दीजिए और कस्टर्ड को रेफ्रिजरेट कीजिए 4 to 6 hours। अब हम करेंगे लेयरिंग ऑफ आवर कस्टर्ड डिलाइट। उसके लिए हमें चाहिए फाइनली चॉप्ड मिक्स फ्रूट्स। यहाँ मैंने मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए 5 to 6 फाइनली पाउडर्ड ओरियो बिस्किट्स। उसके बाद हमें चाहिए व्हिप्ड क्रीम जो मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है, और कस्टर्ड को भी फ्रिज में से निकाल लीजिए। फिर एक ग्लास में अच्छे से ओरियो बिस्किट का लेयर बनाएं, उसको अच्छे से लेवल कीजिए, फिर कस्टर्ड का लेयर लगाएं, उसके ऊपर मिक्स फ्रूट्स का लेयर बनाएं और सबसे ऊपर व्हिप्ड क्रीम का लेयर अच्छे से पाइप कीजिए एंड इन दी एंड गार्निश कीजिए विद मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। इसी के साथ वेरी टेम्प्टिंग एंड सुपर डिलीशियस कस्टर्ड डिलाइट है रेडी टू एंजॉय।